Hello friends, welcome to our channel My Guru Educators. Take your preparation to the level of perfection. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं RPSC Junior Accountant 2019 की वैकेंसीज आने वाली है और आज का हमारा सब्जेक्ट है पेपर 2 का इंडियन इकोनॉमिक्स. जूनियर अकाउंटेंट की फुल कोर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इको की क्लास और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए. सो इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय में कमी. इंडिया में रहने वाले लोग डेवलप्ड कंट्री में रहने वाले लोगों से काफ़ी कम पैसा अर्न करते हैं. CSO के डेटा के हिसाब से करंट प्राइजेस पर 2017-18 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 1,12,835 रुपये थी. करंट प्राइजेस का मतलब होता है 2017-18 में जो मार्केट प्राइजेस थी उसके ऊपर ये कैलकुलेशन की जाती है. आगे चलते हैं कॉन्स्टेंट प्राइजेस पर 2017-18 की प्रति व्यक्ति आय 86,668 रुपये थी. कॉन्स्टेंट प्राइजेस में बेस ईयर हमारा 2011-12 रहेगा. CSO के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय करंट प्राइजेस पर 2015-16 की 94,130 रुपये और 2016-17 की 1,03,870 रुपये थी. उसी पर बात करते हैं आगे कॉन्स्टेंट प्राइजेस पर जिसका बेस ईयर 2011-12 था 15-16 में प्रति व्यक्ति आय 77,435 रुपया और 2016-17 में 82,229 रुपया रही. सो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम पर्पज से MCQs के लिए हमारा जो डेटा है प्रति व्यक्ति आय का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा. हमारा पॉइंट नंबर 2 है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है. हमारे देश की लगभग 53% पॉपुलेशन कृषि के अंदर जुड़ी हुई है, लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या. और हमारे जो एग्रीकल्चर से GDP के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो है 17%. तो ये भी एक हमारे देश की समस्या है कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जिस काम को कर रही है, कृषि के कार्य को कर रही है, और GDP में हमारा जो एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है. हमारा थर्ड पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन. हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत देश विश्व में दूसरे स्थान पर है. हमारे देश में हर 10 साल में जनसंख्या 20% के लगभग बढ़ जाती है. 2001 से 2011 की जनसंख्या 17.6% की वृद्धि दर से बढ़ी. हमारे देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर की जनसंख्या जन्म लेती है. विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% लोग हमारे देश में रहते हैं. सो MCQ पर्पज से आप ध्यान रखिएगा कि हर 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 20% रहती है लेकिन लास्ट 17.6 रही और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% लोग हमारे देश में रहते हैं. फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इनकम डिस्पर्टीज यानी कि आय में असमानता. हमारे देश की संपूर्ण संपत्ति का 53% हिस्सा सबसे अमीर लोगों के पास है जो कि है सिर्फ 1%. और हमारे देश के सबसे अमीर 10% जनसंख्या के पास देश की संपत्ति का 76.30% हिस्सा है. तो बाकी बची जो 90% जनसंख्या है वो हमारे देश में 25% से भी कम संपत्ति पर अपना गुजारा कर रही है. हमारा पांचवा पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए एक बात को समझना होगा कि हमारे देश में आम जनसंख्या के पास जो बचत का पैसा घरों में पड़ा रहता है उससे हमारे देश की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो सरकार ये कोशिश करती है कि वो पैसा बैंक्स में जमा करवाया जाए ताकि बैंक उसी पैसे को ब्याज पर आगे उद्योगपतियों को दे सके और उस पर बैंक खुद भी ब्याज कमाती है और अपने ग्राहकों को भी ब्याज देती है. और दूसरी तरफ उद्योगपतियों को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक्स के थ्रू लोन मिलने से वो अपने बिजनेस को फैलाते हैं और हमारे देश की जनसंख्या को रोज़गार भी मिलता है जिसकी वजह से बेरोजगारी भी ख़त्म होती है और हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है. तो कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आया होगा और इसको डिटेल में समझने के लिए हो सकता है हम फ्यूचर में वीडियोस आपके लिए बनाएं. और हमारे देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं इस्तेमाल करने की आदत नहीं होने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. 1993-94 में हमारे देश का कैपिटल फॉर्मेशन 23.3% था जो कि बढ़कर 2007-08 में 38.1 रहा और 2012-13 में जो वापस घट के 34.8% हो गया. तो आपने देखा होगा कि 2013 के बाद जब सरकार चेंज हुई तो सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों के बैंकों के खाते खुलवाए और लोगों के घरों में जो पैसा पड़ा हुआ था उसको बैंकिंग चैनल में लाने की कोशिश की गई ताकि कैपिटल फॉर्मेशन
हो सके, जिसमें एक योजना जनधन योजना भी है। हमारा अगला पॉइंट है बैकवर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे देश के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। हमारे देश में आज भी 18% ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 76 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। देश के अंदर डैम्स, रोड्स, इनकी कमी की वजह से देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। 2025 तक हमारे देश के अंदर $100 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। अगला पॉइंट है मार्केट इम्परफेक्शन। भारत की इकोनॉमी के अंदर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं हो पाता है और इतना कम रेट में नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से यूज़ नहीं हो पाता है और इसी वजह से हमारे देश के जो मार्केट हैं उनके अंदर इम्परफेक्शन है। जो चीज़ें बड़ी सिटीज़ में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं वो छोटी सिटीज़ में इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाती। 8th पॉइंट है इकोनॉमी इज ट्रैप्ड इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अर्थव्यवस्था गरीबी के चक्र में फंसी होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास गरीबी और बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग को हमें समझना होगा। बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग गरीब होते हैं, और लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वस्तु और सेवाओं के निर्माण की न होने की वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये एक चक्र बन जाता है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था फंस जाती है। 9th पॉइंट है यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमारे देश के अंदर आज भी प्रोडक्शन लेबर ओरिएंटेड है जिसकी वजह से वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है और दूसरे देशों से आने वाले माल मशीनों की वजह से बने होने की वजह से कम लागत में हमारे देश में बिक जाते हैं। 10th पॉइंट है ट्रेडिशनल सेटअप ऑफ सोसाइटी, यानी कि हमारे देश की जो मानसिकता है वो आज भी पुरानी है। हमारे देश में आज भी समाजवाद, जातिवाद जैसी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। आज भी हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है। इस वजह से हमारे देश के अंदर उद्यमिता यानी कि लोगों के अंदर बिजनेस और वर्क कल्चर की नॉलेज नहीं है। आज भी हमारा देश चलता है वाली बातों पे चलता है। इस वजह से ये सारे फैक्टर हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एमसीक्यू पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।